तस्वीरें हमें चंडीगढ़ से मिल रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन करने और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को रात करीब 8 बजे उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी अपना दुख व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा था कि श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं दशकों तक उनके साथ निकटता से बातचीत की है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बेहद भावनात्मक ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया था, संदेश दिया था उनके जाने पर प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद, और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुँचे हैं। प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनके तमाम जो उनके समर्थक हैं, आम लोग जो अंतिम बार अपने प्रिय नेता के दर्शन करना चाहते हैं, उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ में रखा गया है। कल उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है प्रकाश सिंह बादल को। कई राजनीतिक हस्तियों ने अपने संदेश भेजे हैं प्रकाश सिंह बादल के निधन पर। एक बेहद कद्दावर नेता, एक बेहद प्रिय नेता, जो आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे राजनीतिक परिदृश्य में। शैलेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और अपने संदेश में भी प्रधानमंत्री ने एक बेहद भावनात्मक ट्वीट किया था कि बहुत कुछ सीखा है उन्होंने प्रकाश सिंह बादल से और बेहद निकटतम उनके संबंध रहे हैं इस कद्दावर नेता के साथ। किस तरह से आप याद करते हैं प्रकाश सिंह बादल को आज, और क्या लगता है आपको कैसे, कुछ किन शब्दों के साथ, किन सब इंसिडेंट्स के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें याद कर रहे हैं? जया, देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत वयोवृद्ध नेता, एक बहुत वरिष्ठ नेता के तौर पर प्रकाश सिंह बादल जाने जाते रहे हैं। और हम जानते हैं कि दरअसल आप पंजाब की राजनीति में देखें तो सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी, और सबसे वयोवृद्ध, सबसे बुजुर्ग मंत्री के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने शपथ ली थी। तो एक बहुत कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं, उन्होंने पहचान बनाई। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों में, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दलों ने गठबंधन किया था, उसमें शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ था, और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर रिश्ते रहे, और लंबे समय तक हमने देखा कि पंजाब की राजनीति में ये गठबंधन चला भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का। निश्चित तौर पर, निजी तौर पर तमाम देश के बड़े नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके संबंध रहे। और हम एक चीज ये देखते हैं कि दरअसल एक किसान नेता के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि जानी जाती रही, जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर काम किया, किसानों की आवाज उठाई, और जब सत्ता में रहे पंजाब की मुख्यमंत्री के तौर पर, तब किसानों के हित में तमाम काम किए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी से तो निश्चित तौर पर इसलिए भी एक तरह से देखे बहुत गहरा नाता रहा, क्योंकि लंबे समय तक जिस गठबंधन सहयोगी के साथ भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति बढ़ी, उसमें शिरोमणि अकाली दल, और हमने देखा कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके निजी तौर पर जो रिश्ते थे, यही वजह है कि जब उनके निधन की दुखद खबर आई कल रात में, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट आए, शोक व्यक्त किया, और उन अनुभवों को, उन यादों को याद किया, किस तरह से उनके साथ तस्वीरें साझा की, और हमने देखा कि सभी ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी। तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में हम कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे विरले नेता रहे हैं
जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत देश के आजादी के वर्ष के आसपास की और इतने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे, इतनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे।